दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की आवाज को लेकर जांच तेज हो गई है। एनआईए टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में केस सुलझाने में लगी है दिल्ली पुलिस। उसी के आधार पर एयरपोर्ट भी सतर्क है, एजेंसियां सतर्क हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर भी नजर रखी जा रही है। सूत्र कह रहे हैं सीसीटीवी में दिख रहे दोनों संदिग्ध का रूट मैप तैयार कर रही है दिल्ली पुलिस। और ये बड़ी खबर आपको दे दें, सीसीटीवी कैमरे फुटेज सब खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, क्या क्या एक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं स्पॉट की। आप ये सामने की तस्वीरें देखिए, ये स्पॉट और आसपास का पूरा इलाका, आपको ये एनएसजी की टीम दिखेगी। एनएसजी की अलग अलग टीम है, उनकी बम डिस्पोजल स्क्वाड है और साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। तो ये आप देखिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एनएसजी के तमाम आपको कमांडो मौके पर नजर आएंगे। तो इस पूरे इलाके की, जहां पर वो सस्पिशियस ब्लास्ट हुआ था, उस जगह के आसपास के तमाम इलाके को कायदे से खंगाला जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि ये धमाका था किस चीज का, किस तरीके से इस धमाका जो हुआ था, जो आवाज इतनी दूर तक सुनाई दी थी, तो क्या कुछ उसके अंदर था, ये जानने के लिए ये पूरी जो कवायद है वो की जा रही है। सबसे पहले सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे राजीव, तो यहाँ पर सिर्फ लोकल पुलिस थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद यहाँ पर इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, क्योंकि सुबह ये सारी चीजें ओपन थी, लेकिन उसके बाद कॉर्डन ऑफ किया गया। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस आके जवान आते हैं, फिर एनआईए की टीम पहुंचती है, उसके बाद अब एनएसजी की टीम पहुंची है। और इसके अलावा जो जांच चल रही है वो लोकल पुलिस भी कर रही है, जिसमें 12 टीमें हैं। अब वो जो आसपास के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है राजीव, उनको खंगाल रही है, क्योंकि जो लोग की भी मूवमेंट यहाँ पर मंगलवार शाम 5 बजे के बाद है, जो भी उसमें संदिग्ध है, उनकी तलाश की जा रही है। और उसमें पुलिस को 2 संदिग्ध नजर आए भी हैं। अब उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके रूट मैप को बनाया जा रहा है, और तकरीबन 500 से ज्यादा, करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज के कैमरे चेक किए जा रहे हैं कि आखिर जो दोनों संदिग्ध है वो किस तरफ जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं और किस तरफ से वो आए थे। तो पैरेलल जांच चल रही है, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कौन हो सकता है जो यहाँ पर जो संदिग्ध सामान छोड़ के गया, और दूसरी तरफ क्या कुछ उसमें था, क्योंकि हमने अभी चश्मदीदों से भी बात की राजीव, जो सामने काम करते हैं रोड की दूसरी तरफ, उनका ये कहना है कि आवाज बड़ी तेज थी और आवाज तेज के साथ साथ उन्हें केमिकल की महक भी आ रही थी। ये चश्मदीद ने दावा किया है, जो यहाँ से चंद कदम की दूरी पर रहता है, जिससे हमने अभी बात की, और उसका कहना था आवाज इतनी तेज थी कि वो अंदर से बाहर की तरफ आया, रोड पे जब आया तो उसने देखा, और यहाँ पर चूंकि पॉल्यूशन है इसलिए धुआं तो बहुत दूर तक नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उसने आवाज सुनी। ठीक है, मांशु आप नजर बनाए रखिए, अभी फिलहाल जांच चल रही है, आगे भी हमारी इस पर नजर रहेगी।